गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ मैं, और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग में, ग्रामर में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों चालू करते हैं, उस टॉपिक को समझते हैं और उसका स्पोकन में इसका क्या इस्तेमाल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें कहना है कि क्या करें, यह एक समस्या है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको बोलना पड़ेगा व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, क्या खाएं यह एक समस्या है। व्हाट टू ईट इज अ प्रॉब्लम, क्या पढ़ाएं यह एक समस्या है। व्हाट टू टीच इज अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये तीनों सेंटेंस में अगर आप लोग ध्यान दें तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर व्हाट टू रीड, व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, व्हाट टू टीच, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के सेंस में आ रहे हैं और उसके बाद हम लोग यूज लगा रहे हैं। और एक बात आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आई होगी, आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि यह आने पर हमने दिस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है व्हाट टू डू ही यह का काम कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि क्या करें यह एक समस्या है, तो मुझे बताएं आप कौन सी वाली बात समस्या है। तो व्हाट टू डू ही समस्या है, व्हाट टू डू ही यह का काम कर रहा है। इसे हम लोग को व्हाट टू डू के साथ दिस नहीं लगाना है, केवल व्हाट टू डू ही सब्जेक्ट होगा और बोलेंगे व्हाट टू डू इज़ अ प्रॉब्लम। अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ मुझे नहीं पता, तो हम लोग बोलेंगे वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो आई डोंट नो। क्या पकाऊँ और क्या ना पकाऊँ यह एक समस्या है। व्हाट टू कुक एंड व्हाट नॉट टू कुक इज अ प्रॉब्लम। किसे बुलाऊँ और किसे ना बुलाऊँ यह तय नहीं है। हुम टू कॉल एंड हुम नॉट टू कॉल इज नॉट डिसाइडेड। तो ये सारे सेंटेंस में आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि हमेशा वर्ब के पहले टू लगाया जा रहा है। अगर नेगेटिव भी बोला जा रहा है तब भी हम लोग टू का इस्तेमाल वर्ब के पहले ही कर रहे हैं। जैसे क्या ना बोलूँ यह एक समस्या है, तो व्हाट नॉट टू स्पीक इज अ प्रॉब्लम। तो टू वर्ब के पहले ही आना चाहिए। तो ये वाले सेंटेंस में आपने देखा होगा कि मैं किसी कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ और उसी को मैं मना कर रहा हूँ। जैसे कैसे बोलें और कैसे ना बोलें यह निश्चित नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हाउ टू स्पीक एंड हाउ नॉट टू स्पीक इज नॉट सर्टेन। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्या पढ़ें और कब पढ़ें यह तय नहीं है। व्हाट टू रीड एंड व्हेन टू रीड इज नॉट डिसाइडेड। किसे बुलाएं और क्यों बुलाएं मुझे नहीं पता है। ह्यूम टू कॉल एंड व्हाई टू कॉल आई डोंट नो। क्या खाऊं और क्यों खाऊं भगवान जाने। व्हाट टू ईट एंड व्हाई टू ईट गॉड नोस। तो आप दो अलग अलग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ये सारे हो जाएंगे और है आ रहा है तो आपको इज लगाना है। जैसे कहाँ जाऊँ और कब जाऊँ यह तय नहीं था। वेयर टू गो एंड व्हेन टू गो वॉज नॉट डिसाइडेड। क्या पढ़ूँ और कब पढ़ूँ यह निश्चित नहीं था। व्हाट टू रीड एंड व्हेन टू रीड वॉज नॉट सर्टेन। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है आपको, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक व्हाट टू रीड, व्हेन टू रीड, वेयर टू गो, ये मैंने शुरू में लगाया, आप चाहें तो इसको पीछे भी लगा सकते हैं। पीछे लगाने वाले सेंटेंस मैं बोल के बताता हूँ आपको। जैसे मुझे नहीं पता क्या करना है या मुझे नहीं पता क्या करें, तो हम लोग बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू। तुम नहीं जानते हो कहाँ जाना है या कहाँ जाएं। यू डोंट नो वेयर टू गो। मैं नहीं बता सकता क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ें। आई कैन नॉट टेल व्हाट टू टीच। तो ये आप इसको पीछे लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कहना है क्या करना है यह तय नहीं है या क्या करें यह तय नहीं है, इसका सेंटेंस ऐसा बनेगा व्हाट टू डू इज नॉट डिसाइडेड। इसको हमको आगे ही लगाना है, इसको हम लोग पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट टू डू यहाँ पर सब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है। तो दोस्तों अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है, बहुत सी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन वर्ड बदल बदल के कोशिश करना है, वर्ब्स को बदल बदल के कोशिश करना है, हेल्पिंग वर्ब को बदल बदल के कोशिश करना है बस, और लाउडली प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है आप ये सारे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों मैं कुछ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बोल के बताता हूँ। क्या करें यह तय नहीं है। व्हाट टू डू इज़ नॉट डिसाइडेड। क्या करें यह तय नहीं था। व्हाट टू डू वॉज नॉट डिसाइडेड। क्या करें यह तय नहीं होगा। What to do will not be decided. क्या करें यह तय नहीं हो सकता है। What to do cannot be decided. क्या करें यह तय नहीं हो सकता था। What to do could not be decided. क्या करें यह तय होना चाहिए। What to do should be decided.
तो दोस्तों ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, बस आपको इसकी बनावट पर ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी काफ़ी नॉलेजेबल होगा ये वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयास के साथ और एक नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद।